तीसरा अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, अरे हे ओम ओम समेधाग्निं दुवसियत द्रतेर्बोधयत तिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन। हे यजमानो, आप समेधा से अग्नि को प्रज्वलित करने की कृपा कीजिए। हे यजमानो, आप घी से अग्नि को जगाने की कृपा कीजिए। हे यजमानो, आप अतिथि से अग्नि को प्रज्वलित करने की कृपा कीजिए। आप इस अग्नि में हवि प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे यजमानो, आप समेधाओं से अच्छी तरह प्रज्वलित अग्नि में पवित्र घी की आहुति प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप सर्वज्ञ अग्नि के लिए घी की आहुति प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हम आपको समेधाओं से प्रज्वलित करते हैं, हम आपके घी से बढ़ोतरी करते हैं। आप विशाल जौमयी ज्वालाओं से ऊंचे और प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हवि वाली आहुतियां आप तक पहुंचें, आपका मनन करें। हे अग्नि, घी वाली आहुतियां आप तक पहुंचें, आपका मन हरें। हे अग्नि, आप हमारे द्वारा भेंट की गई समिधाओं को स्वीकार करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप भूलोक में विद्यमान हैं, आप भूलोक में विद्यमान हैं, आप स्वर्ग लोक में विद्यमान हैं। पृथ्वी यज्ञ करने के लिए श्रेष्ठ स्थान है, हम उसी स्थान पर यज्ञ करने के लिए उससे पूर्व यज्ञ वेदिका पर अग्नि को स्थापित करते हैं। हम अन्न से बल धारण करें, हम स्वर्ग लोक से दिव्यता धारण करें, हम पृथ्वी के समान महिमा को प्राप्त करें। हे अग्निदेव, सर्वत्र भ्रमणशील हैं, अग्नि बहुरंगी लपटों वाले हैं। वह पृथ्वी माता के पास आसन पर विराजमान हैं, यज्ञ में वह प्रयत्न पूर्वक स्वर्ग लोक पिता के पास पहुंच गए। अग्नि का तेज प्राण वायु और अपान वायु के रूप में सभी प्राणियों के भीतर संचार करता है। अग्निदेव अपने उस तेज को और व्याख्यायित करते हुए स्वर्ग लोक को प्रकाशित करते हैं। वाणी रूप में अग्नि का तेज 10 के त्रिगुने स्थानों पर शोभा पाता है, अर्थात वाणी दिन रात के 30 मुहूर्त और महीने के 30 दिन के रूप में शोभित होती है। सूर्य के लिए भी स्तुति के रूप में वाणी का तेज धारण किया जाता है। दिन में प्रकाश रूप में अग्नि के लिए वाणी के रूप में स्तोत्र उचारे जाते हैं। अग्नि प्रकाश है, प्रकाश अग्नि है, प्रकाश स्वरूप अग्नि के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं। सूर्य प्रकाश है, प्रकाश सूर्य है, हम प्रकाश स्वरूप सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं। वाणी अग्नि है, अग्नि वाणी है, वाणी स्वरूप अग्नि के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं। वाणी सूर्य का रूप है, सूर्य वाणी रूप है, हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। प्रकाश सूर्य स्वरूप है, सूर्य प्रकाश रूप है, हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरे हे ओम ओम सजूर देवेन सवितरा सजूर रात्रेन्द्रवत्या जोखाण अग्निर्वेत स्वाहा सजूर देवेन सवितरा सजूर सेन्द्रवतिया जुखाणाः सूर्य वेतु स्वाहा। सविता देव सहित इंद्रवती रात्रि सहित अग्नि को आहुति प्रदान करते हैं। इन देवताओं से युक्त अग्नि इस आहुति को ग्रहण करने की कृपा करें। सविता देव सहित इंद्रवती पूका देवी के साथ सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं। सूर्य इस आहुति को स्वीकार करने की कृपा करें। हम यज्ञ के समीप प्रयास कर रहे हैं, हम अग्नि के लिए मंत्र उच्चार रहे हैं। अग्नि हमारे समीप आने की कृपा करें, अग्निदेव मंत्रों को सुनने की कृपा करें। हे अग्नि, आप मूर्धन्य हैं, आप स्वर्ग लोक में स्थित हैं, आप इस पृथ्वी के स्वामी हैं, आप भरण पोषण करने वाले हैं, आप जल के प्राणदायी शक्ति डालते हैं, आप जीवों को जिलाते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, हम यजमान आप दोनों देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं, हम आप दोनों को आहुति भेंट करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आप अन्न धन सहित हमें
मदमस्त बनाइए, आप अन्न और धन के दाता हैं। हम आप दोनों को ही अन्न और धन पाने के लिए यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप बार-बार उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए यज्ञ की समाप्ति पर आप पुनः गृहस्थ के यहां जन्म लें, अर्थात प्रातः मध्याह्न और सायंकाल प्रकट हों, बाद में पुनः यज्ञ के लिए हमें समृद्ध करें। हे अग्नि, आप प्रथम हैं, आप देवताओं को आमंत्रित करते हैं, आप यज्ञवान हैं, यज्ञ में पुरोहितों द्वारा आपकी उपासना और स्थापना की जाती है, आपको आपनवान और भृगु आदि ऋषियों ने समय-समय पर वनों में प्रज्वलित किया, आप विलक्षण हैं। हे अग्निदेव, चिरकाल से हम आपकी उपासना करते हैं, अग्निदेव चिरकाल से हैं, हम उनकी कांति का अनुसरण करना चाहते हैं। यजमान ने दूध दही आदि हवि की सामग्री से हजारों यज्ञ करने वाले ऋषियों की भांति दूध दुहा है। हे अग्नि, आप पुरोहित के तन के रक्षक हैं, आप हमारे भी तन के रक्षक बनिए, आप आयु देने वाले हैं, आप हमें दीर्घजीवी बनाइए। हे अग्नि, आप वर्चस्व प्रदान करते हैं, आप हमें वर्चस्व प्रदान करने की कृपा करें, आप हमारे शरीर की न्यूनता दूर करके उसे पूर्ण करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप प्रकाशमान हैं, आप धनवान हैं, आपकी कृपा से यजमान 100 वर्ष की आयु पाते हैं, आप आयुष्मान हैं, आप हमें भी आयुष्मान बनाने की कृपा कीजिए, आप शक्तिमान हैं, हमें भी शक्तिमान बनाने की कृपा कीजिए, आप अदम्य, आप में हमें पत्नी सहित 100 वर्षों तक प्रकाशित रखने की कृपा करें, आप विलक्षण हैं, आप हमें कल्याण के लिए अपनी शरण में रखने की कृपा करें। हे अग्नि, आप सूर्य से प्रभावित हैं, आप ऋषियों की स्तुतिमय हैं, आप आहुतिमय हैं, आप अपने प्रिय धाम से आयु वृचस्व संतान धन धान्य पोषण सहित पधारने की कृपा करें। हे गौओं, आप अन्न स्वरूप हैं, आपकी कृपा से अन्न हमारे लिए खाने योग्य होता है, आप रसमय हैं, आपकी कृपा से घी दूध आदि रसीली चीजें खाने योग्य होती हैं, आप आदरणीय हैं, हमें आदर योग्य बनाने की कृपा कीजिए, आप धनवान हैं, आप हमें धनमय बनाने की कृपा कीजिए, आप बलवान हैं, आप हमें भी बलवान बनाने की कृपा करें। हे रेवती, आप यज्ञ के समय यज्ञ स्थल पर प्रसन्नता के साथ रहे, आप द्वी जाने से पहले बाड़े में बिचरें, आप सदैव यजमान की आंखों में रहें, आप यहीं निवास कीजिए, आप कहीं मत जाइए। हे गौओं, आप बहुत रूपों वाली हैं, आप ऊर्जास्वी हैं, आप यजमान को गौपति बनाने की कृपा करें, आप दिन रात यजमान के पास निवास करते हैं, हम श्रद्धा से भरकर आपको नमन करते हैं, हम आपके पास आते हैं। हे अग्नि, आप प्रकाशमान हैं, आप यज्ञों में शोभित होते हैं, आप स्वर्ग लोक को भी प्रकाशित करते हैं, आप गोपति हैं, आप अमर हैं, आप स्वयं यज्ञ में बढ़ोतरी पाते हैं, हम उपासना से आपके पास आते हैं। हे अग्नि, आप यजमानों के पास उसी तरह बने रहे जैसे पिता पुत्र के पास बना रहता है, आप हम यजमानों के कल्याण के लिए सदैव यजमानों के पास रहने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमारे पास हैं, आप पालक हैं,